और उनका गहना था बालियां दो बेची हमने पेट वाला। भगवान को भी है नहीं कुछ भी, सब करेगा क्या। हाँ जाओ कश्मीर के पास तो अपनी दिखाता होगी। जैसे कश्मीरी माइग्रेंट यहाँ पर बाहर करे, हम भी आए बाहर कर आए। यहाँ पर बोलते भी आप जम्मू के हो, हाँ आप माइग्रेंट नहीं हो। सर हमें सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर भी है, कोर्ट ऑर्डर भी है, सब कुछ हमारे पास है, फिर यह क्यों नहीं मानते हैं। हम प्रधानमंत्री जी से अपील करते हैं, मोदी जी से हमारे बारे में कुछ सोचे। पड़े भूखे मर रहे, भूखे चावल 9 किलो दे रहे हैं सर, 27-28 किलो चावल मिलते हैं, उसमें 15 किलो चावल बेच कर जाते हैं सब्जी तेल के, 9 किलो चावल के पेट भरा। हिंदुस्तानी नहीं हम बाहर के, कहीं कभी वहां भेज जाओ, मैं बोलूँ खा के भी आप लोग जाओ वहाँ। हम पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, कहाँ के बोल, हमें हम जाएंगे वहां उनको मांगेंगे। मैं इस टाइम जगदीश राज जी के परिवार में बैठा हुआ हूं, जो कि जगती में एक क्वार्टर में रहते हैं। ये डोडा माइग्रेंट हैं। 1995-96 में जब डोडा में मिलिटेंसी हुई तो लगभग 1000 के करीब डोडा से जो है फैमिलीज माइग्रेट हो गई थी। उनमें से अब कुछ माइग्रेंट फैमिलीज जो हैं जम्मू के जगती, जहां कश्मीरी माइग्रेंट टाउनशिप है, वहां पर रहती हैं और बाकी अलग अलग जगहों में रहती हैं। इनमें से कुछ ऐसी फैमिली हैं जो रजिस्टर्ड तो हैं, लेकिन इनको जो कैश असिस्टेंस सरकार की तरफ से मिलती है डोडा माइग्रेंट्स को, वो इनको नहीं मिलता। सिर्फ इनको राशन मिलता है और राशन भी इनको जो है बेच बेच के अपने घर में जो है गुजारा करना पड़ता है, खर्चा घर का निकालते हैं। 1995 में जब मिलिटेंसी हुई, इनको वहाँ से निकाल दिया गया मिलिटेंसी के चलते और इनको यहाँ पर शरण लेनी पड़ी। आज इन परिवारों का क्या हाल है वो जानने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। जगदीश जी, तब से लेके आज तक क्या आप लोगों की स्थिति बनी हुई है? सर बताए खुद, अब झाड़ी लगाते थे, खाते थे, हमने कोर्ट में केस लगाया, सब कुछ लगाया, केस जीते भी, पर एडमिटेशन मानती नहीं है। खासकर रिलीफ वाले कोर्ट का आर्डर साइड करो, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर साइड करो, सब कुछ साइड करो, मतलब मानती नहीं। गवर्नमेंट करेंगे कि जाएंगे कहाँ? ये देखे सर, आर्डर पड़े सामने आर्डर पड़े है, सेक्रेटरी ने भी लिखा है, सब कुछ लिखा है, नहीं मानते, अगले करेंगे क्या, हम जाएंगे कहाँ? बस हमें बोले भाई आप यहाँ के नहीं हो, हम और कहीं जाएंगे, और कहीं बैठेंगे, और किसी स्टेट में जाएंगे, बोलो भाई जो वो कर रही है हमारे साथ, इतना भेदभाव क्यों कर रही है गवर्नमेंट हमारे साथ? दुश्मनी और किसी साल नहीं, हमारे हालात जो घर में राशन नहीं है, 9 किलो चावल मिलते हैं, हाँ वो आधा बेच के सब लेते सब्जी खाते है, 9 किलो चावल भी ना पूरा वो एक बंदे को हो सकता सर? ये हालत है हमारी, अब खुद देखो हमारे घर की हालत क्या है। कमीशनर साहब मानता ही नहीं है। जाओ जी डीसी के पास, जाएंगे डीसी के पास, फिर देंगे डेट है ना जी हफ्ते बाद, पीछे दी डेट जी 20 दिन के बाद आना, गेट मारे गए तब तक डीसी में हम चलेगी। अब आया नवा डीसी, उसके बाद जाएंगे तो बोलेगा नहीं जी मेरे पास अभी कागज नहीं आए, मैं देखूंगा, उसने भी ना लगा देना। सर हमारे साथ इतना भेदभाव क्यों है? हम ये रिश्ते थे आपसे, सर हमारा कुछ चारा करवाओ। लॉकडाउन जैसे जाते थे कहीं दिहाड़ी लगाते थे सर, चौथा महीना खत्म होने वाला लॉकडाउन है, भगवान को 1 रुपया नहीं है, दवाई के लिए पैसा नहीं, बीवी को दवाई के लिए पैसा नहीं, तो अब करके क्या ना सर, मैं जहर दे मार दे अपने हाथों से, भाई मेरे पास कुछ नहीं है, चलो ये हाल है सर हमारी। आप किस तरह से गुजारा हो रहा है घर का?
क्या बोले मुझे सामने समझ नहीं आती नहीं करते नहीं किश्तवाड़ी में बोलो किश्तवाड़ी में बोलो क्या बोले किस तरह गुजारा हो रहा है आप लोगों का चार महीना गया ये तो कहाँ कमा था घर में बैठते सब तो करते गुजारा चावल भेज भेज के बालियां सर इसकी बालियां बेची जेवर बेचे करते गुजारा टाइम पास पहले आपको वहाँ पर आतंकवादियों की वजह से निकलना पड़ा अब यहाँ पर आप लोगों को हेल्प कोई नहीं हो रही है कुछ नहीं तीन साल पहले था हम किराए के ऊपर फिर बाद गया रेलू रेलू से इधर उधर करके कुछ काम शाम शादी में ये लोग उधर गुजारा करते फिर बाद पूजा इधर इधर कुछ ही नहीं काम नहीं कुछ नहीं क्या करेंगे करते टाइम पास माता रानी थोड़ा थोड़ा देते वो खाते अब क्या मतलब नौबत आ गई आप लोगों को सर अब क्या आप लोग आगे क्या करेंगे सर हमारा कुछ चारा करे गवर्नमेंट हम बोलते हैं कमिश्नर साहब का हमारा कोई चारा कर हाँ ना ना तो बोलो भाई आप यहाँ के नो सुबह जम्मू के नहीं हो आप हाँ मोर के ही जाएंगे बस मैं हमारा यही वस्ट है हमारा चारा करो कुछ ना तो हमें जेर दे दो मार दो हाँ ना तो हमारा चारा करो कुछ सर इन क्वार्टरों का क्या करना हमने जब पेट में नहीं कुछ इनको करना क्या हमने हाँ या अगर हमारा हक नहीं बनता है वो भी बोले आपका हक नहीं है तो और ही अलग बात हम बोलते हैं भाई एक हाँ एक दिन में दो कानून कैसे बनाए इन्होंने कश्मीरी हिसाब है कि जम्मू वालों का अलग है हाँ हाँ हमारा जम्मू वालों के साथ क्या भेदभाव कर रहे हैं बिल्कुल ये डोडा के माइग्रेंट्स हैं अगर कश्मीर से कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स यहाँ आए हैं तो डोडा से भी कई सारी माइग्रेंट्स फैमिलीज यहाँ आई आतंकवाद के चलते लेकिन इनसे भेदभाव क्यों कुछ फैमिलीज रजिस्टर्ड हैं उनको कैश असिस्टेंस नहीं है कुछ रजिस्टर्ड हैं तो उनको राशन नहीं मिल रहा लगभग 1000 के करीब फैमिली जो है माइग्रेंट होके आई थी जिनमें से अभी अगर बात करें तो 9 फैमिलीज़ यहाँ जगती में भी रहती हैं जिनमें से 3 ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनको किसी तरह का कोई कैश असिस्टेंस नहीं मिल रहा जिनमें से एक इनकी फैमिली है देखते रहें जेके मीडिया और अगर डीसी जम्मू इस वीडियो को देख रहे हों रिलीफ कमिश्नर देख रहे हों तो इन लोगों का जो कैश असिस्टेंस है उनको शुरू किया जाए धन्यवाद जय हिंद